وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نحمده ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. جلد آغاز اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید سے کیا جاتا ہے، تو کسی شاعر نے کیا حکم لکھا تھا، بدلے گا زمانہ لات اگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لات مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. بدلے گا زمانہ لات مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. شاہو کو بدلتے دیکھ رہا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھ رہا ہے، اسلام کی کشتی اتار رہے تھے، سلطان نہ بدلا جائے گا. دنیا کو ہوگی وہ دیکھ، وہ کو ہوگی وہ تاخیر، قانون اٹل ہے قدر و خدا، قانون نہ بدلا جائے گا. اور فیضان کی قدر اگر اسے جب تک مسلم زندہ ہے، اسلام کی زیب و زینت کا سامان نہ بدلا جائے گا. جب تک مسلم زندہ ہے، اسلام کی زیب و زینت کا سامان نہ بدلا جائے گا. اب میں تلاوت کلام الہی پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد احراق سے. متحمسوں کے وہ اسٹیج پر آئے اور کلام الہی صاحب کے سامنے کے دلوں کا منور فرمائے. ان کی عمل سے میں نے زوردار نعرہ لگائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بہت سے علی کو کھانا ہے، بہت سے علی کو کھانا ہے، خدا کے بعد اس
नहीं है, अमल उठेगा, बड़ों कनेक्शन अमल उठेगा, कुछ से मेरा नबी कहेगा, कुछ से मेरा नबी कहेगा कि मेरा उम्मती है, कि मेरा वारसी है, कि मेरा आशरी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। आइए तस्कीने जाने इस बात की बातें करें, आइए तस्कीने जाने इस बात की बातें करें, हिजर की शब से जुलूल अबरार की बातें करें, आइए तस्कीने जाने इस बात की बातें करें, हिजर की शब से जुलूल अबरार की बातें करें, बुलबुले करके रहे गुल की चमन की गुफ्तगू, हम अपने आका के, हम अपने आका के लब और रुखसार की बातें करें। तो फिर मुझे कहने दीजिए खया के बात मोहब्बत के साथ जो बुजुर्ग अहबाब दीवारों से सहारा लेकर बैठे हैं वो बैठे रहे, और जो नौजवान घरों से निकल आए हैं और अल्लाह के घर में बैठकर जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा सुनने के लिए आए हैं, वो दीवारों का सहारा छोड़कर गुम्मत खजरा के मकी का सहारा लेकर थोड़े आगे होकर बैठे, ये दीवारों का सहारा छोड़कर आगे हो जाए, क्योंकि मोहब्बत के करीबों में सबसे बड़ी पहली मोहब्बत और अदब ये है कि अगर आप अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में बैठे हैं तो आप अदब होकर बैठे, क्योंकि जब अदब से आदमी बैठता है तो फिर वो खाली दामन आता है, जब महफिल इख्तिताम होती है, जब दुआ होती है तो वो घर से खाली दामन आया था, जब महफिल खत्म होती है तो वो अपने दामन को मरादों से भर के जाता है। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और उसके प्यारे नबी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों परवानों मुस्तानों
आप यहाँ पे जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा की महफिल सुनने के लिए आए हैं। खालिक कायनात की बारगाह में दुआ है, मालिक कायनात हमारी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को कि जिन्होंने इस खूबसूरत घर के अंदर खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया। अल्लाह जिक्र मुस्तफा का सदका इस मस्जिद को कयामत की सुबह तक शादोबाद फरमाए। और जो लोग इन मस्जिदों को आबाद करने की कोशिश करते हैं अल्लाह उनके घरों को आबाद फरमाए। हजरात मोहतरम, आज के जो मेहमान खसूसी हैं हमारे खतीब आले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना शोहेबुल हसन खादरी खतीब आजम लाहौर, चंद ही लम्हात के बाद तशरीफ जाने वाले हैं और आज हमारी महफिल की सदारत फरमाएंगे मुफ्ती आले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती वसीम रजा साहेब खतीब जामिया मस्जिद काबरा टाउन, वो भी थोड़ी ही देर के बाद तशरीफ जाने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है खालिक हमारी अपनी इस हाजिरी को कबूल फरमाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो मैं आयत मुबारक पढ़ी है, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, या महबूब आप फरमा दीजिए कुल बिफ़ज़लिल्लाहि, जब तुम पर अल्लाह का फजल हो जाए, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, जब अल्लाह की रहमत हो जाए तो तुम क्या किया करो, व बिरहमतिही व बिसालिका फल यफ़रहू, तुम खूब खुशी मनाया करो, खूब चर्चा किया करो, फल यफ़रहू हुआ खैरु मिम्मा यजमाऊन, कि तुमने जो माल जमा किया हुआ है उससे बेहतर वो माल है जो अल्लाह के फजल और उसकी खुशी पर तुम खर्च रखते हो। तो मुफस्सिरीन इस बात को इस तरह वाज़ेह करते हैं कि अल्लाह के फजल से मराद भी मुस्तफा की जात है और अल्लाह की रहमत से मुराद भी मुस्तफा की जात है। तो यहाँ पे पता चला कि सबसे बड़ी फजल अल्लाह ने हम पे मुस्तफा की जात हम पे अता करवाकर हम पे फजल किया है और सबसे बड़ी रहमत मुस्तफा की जात है। तो पता ये चला कि जब अल्लाह का फजल हो जाए, अल्लाह की रहमत हो जाए, तो तुम खूब खुशी मनाया करो, खूब चर्चा किया करो। ये किस्मत वाले लोग होते हैं, ये मुकद्दर वाले लोग होते हैं, ये शान वाले लोग होते हैं कि जो मुस्तफा की महफिल सजाते हैं। शायर ने क्या कि बालगल हो ला भी कमाल ही का शफत तो जा भी जमाल ही हसु नब जमी और विसाल ही। यहाँ पे आपको मैं बड़ी खूबसूरत बात बताने चला हूँ कि जो लोग मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं, जो करीम आका से अपना ताल्लुक जोड़ कर रखते हैं, जो मुस्तफा की नामोश की खातिर निकलते हैं, ये कलाम इमाम शेख सादी शराजी लिखते हैं और ये लिखते हैं कि बलहल उला पे कमाल ही का शफत फुल जा में जमाल ही हसुनत शमी और मिसाल ही। आग जाकर मदीने में लगती है, मुस्तफा करीम ने कहा कि है मेरे गुलाम सादी शनासी, ये पता तू मेरी शान में कसीदा लिख रहा था, बलहल उला पे कमाल ही का शफत फुल जा में जमाल ही हसुनत शमी और मिसाल ही। तीन फिक्रे लिखे हैं, चौथा फिक्रा मुकम्मल नहीं किया। आपने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैंने तीन फिक्रे लिखे हैं, चौथा मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। तो मुस्तफा ने फरमाया कि है मेरे साथी पढ़, बलहल उला पे कमाल ही का शफत तू जा में जमाल ही हसुनत शमी और मिसाल ही। ये कलाम आप अमूमन देखते हैं कि जिस मस्जिद के अंदर मेहराब के अंदर लिखा होता है, गुमडू के अंदर ये लिखा होता है, बालहल उला पे कमाल ही का शफत तू जा में जमाल ही हसुनत शमी और मिसाल ही। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मस्जिद के अंदर आयात लिखी होती है, अहदीस मुबारक लिखी होती है। ये जो कलाम है जो इमाम सादी शराजी लिखते हैं, इस कलाम को इतना मकाम कैसे मिला कि ये लोग मस्जिदों की जीनत बनाते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ ये इमाम सादी शराजी मोह
وَقَالَ اللَّهُ بِكُلِّ
पढ़ी जाती है, सात पढ़ी जाती है, नौ
नाव बनी जाती है, इशारा बनी जाती है। अल्लाह के नबी ने इमाम हुसैन की खातिर नमाज को लंबा किया, हत्ता के 72 तस्बीह पड़ी पड़ी। जब इमाम हुसैन अपनी मर्जी से नीचे उतरते हैं, अल्लाह के नबी ने नमाज को मुकम्मल किया। जब घर गए, अपनी बेटी फातिमा से कहा, है मेरी बेटी, आज बेटे ने ये अमल किया है कि मैं नमाज पढ़ रहा था, सजदे की हालत में था, और सजदा खुदा को किया जाता है, नमाज रब की होती है, मैंने तेरे बेटे की खातिर नमाज को लंबा किया, हत्ता कि मैंने 72 तस्बीह पढ़ी। और इमाम हुसैन मुस्कुराते हुए बारगाह मुस्तफा में हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरे नाना जान, अगर आज आपने मस्जिद नबवी के अंदर मेरी खातिर 72 तस्बीह नमाज के अंदर पढ़ी है, कल मैं आपका नवासा मैदान कर्बला के अंदर तपती हुई रेत होगी, वहां नेसों की बारिश हो रही होगी, ये आपका नवासा मैदान कर्बला के अंदर अपने 72 जान निसारों को कुर्बान करके दीन इस्लाम के अंदर को बदल दो। बड़ी खूबसूरत जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि जब अल्लाह के नबी सजदे में हैं और इमाम हुसैन आकर पुष्प पर सवार हो जाते हैं, शायर क्या कहता है कि तहारतों के मुकद्दस का ज़ैन बैठा है, तहारतों के मुकद्दस का ज़ैन बैठा है, मेरी हुजूर के जीवन का चैन बैठा है, मेरे महबूब सजदे को जरा जरा कर दो, तेरी पुष्प पे मेरा हुसैन बैठा है, तहारतों के मुकद्दस का ज़ैन बैठा है, अरे तहारतों के मुकद्दस का ज़ैन बैठा है, मेरी बुतूल के जीवन का चैन बैठा है, अरे मेरे महबूब सजदे को जरा जरा कर दो, तेरी पुष्प पे मेरा हुसैन बैठा है। और दुनिया में बेमिसल है शजाअत हुसैन की, दुश्मन से भी नहीं है अदावत हुसैन की, और बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे, कुरान कर रहा है तलावत हुसैन की। और बड़ी खूबसूरत बात शायर ने कही कि खलूस वाले खेजे का चैन करते हैं, अहले ईमान शाह रशीद कैद करते हैं, अरे मैदान कर्बला के अंदर जिसे कुछ याद न रहा सवाल इश्क में उसे हुसैन कहते हैं। अब रिसालत में अपनी हाजिरी पेश करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मोहम्मद अरमान साहब को आए और बारगाही रिसालत में अपनी हाजिरी पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। सल्लल्लाहु अलैहि कोई गोटा पति ने दा
लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की मदीने की लो मदीने तकलीफ न हो। मैं गुजारिश करूंगा आगे आगे तशरीफ लाएं।
زیبکار سامین محترم تشریف لاتے ہیں، عزیزان مبشر سبحانی تشریف لائے ہیں اور بارگاہ رسالت ماب میں حاضری لگوائیں جناب مبشر سبحانی۔ اللہ لے گیا یا رسول اللہ جگہ پہ حاضر ہو جائے۔ کچھ ہمارے احباب ذکر کرنے کے لیے تھے،
भाई तू इच्छा ही ठीक हो ना इरादा असल की है सदा भाई हम जगह छोड़ दें आपको बुला दें तो मेहरबानी फरमाए हजूर का भी ये हुक्म है कि जब जगह मिल जाए वहां जगह ना हो तो फिर करते हैं प्लान के आगे ना जाए ये मसला याद रखें जब बुलाया जाए मजलिस में तो वहां हाजिर हो जाया करें जहां जगह और तीन चीजें तवज्जो चाहूंगा तीन चीजें इनसे इनकार ना करें एक जब मजलिस में जगह छोड़ी जाए आपके लिए खाली के यहां तशरीफ रखें तो वहां हाजिर हो दूसरा कोई शख्स अगर दूध पेश करता है तो उससे भी इनकार ना करें हम तो हालत लगना ही नहीं चलो तुम्हारी मर्जी इनकार करो या मानो और तीसरा और चौथा ये है शायद और दूध की तकरीबन एक ही किस्म तीसरी चीज जो है वो तकिया सरहाना वो अगर टेप लगाने के लिए कोई बंदा पेश करता है तो उससे भी इनकार न करें अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए कशमकशाते हैं इंतहाई नए अजीज हैदर अकरम सिर्फ हाजिरी के लिए तशरीफ लाए कि बहुत सारे अहबाब तशरीफ लाए हैं और इंशाल्लाह आपके नकीरे महफिल में तशरीफ ला चुके हैं इंशाल्लाह बात होती रहेगी सर धुन के बड़ी तवज्जो से नात रसूल मकबूल समाअत हुआ सल्लल्लाहु अलैका या और नासर हर शहर मिट जानी है रहना है सिर्फ अखीर मदीना
उसी मजीदे के तस्करे के लिए मैं गुजारिश करूंगा हमारे जामिया के मोहनार तालब इल्म हाफिज मोहम्मद अखलाक तशरीफ लाएं और अपनी हाजिरी पेश करें क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा है और नाथखां हजरात बहुत ज्यादा है। और अजीब बात है कि आखिर पे सारे नाथखानों की मर्जी होती है हमें बुलाया जाए, फिर जब टाइम थोड़ा रहता है फिर आस्ते आस्ते हमारी जैसा है
वक्त इंतहाई मुख्तसर है, मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम आशिक हुसैन साहब तशरीफ लाएं और अपनी हाजिरी पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलाद मुस्तफा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोग कलम तेरे। खुदा ने अपने नूर का जलवा दिखा दिया, सब नूर को मिला कर मोहम्मद बना दिया। मेरे सही लग पादिया क्या बाताने, क्या बाताने, आमीन बात के दिला अपने रसूल से सच्चा इश्क करे, मोहब्बत करे। और वाकिया आमना पाक ने लाल दिया क्या बातों ने, ये सिर्फ हम ही नहीं उम्मती बल्कि आपसे पहले जो नबी गुजरे हैं उन नबियों ने भी कहा है। जब मेराज की रात शबे मेराज मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ी हुजूर के पीछे, तो जब हुजूर खिताब फरमा रहे थे तो सारे आपके तरफ तवज्जो करके देख रहे थे और ये कह रहे थे कि आमना तेरे लाल दिया क्या बात है। और सिर्फ नबी इंसान जिन और फरिश्ते ही नहीं बल्कि खुद खुदा वहदा उला शरीक भी फरमा रहा है कि ऐ मेरे महबूब तेरी क्या बात है। तशरीफ लाते हैं बारगाह रिसालत में आपने सिर्फ हाजिरी के लिए अजीजम मोहम्मद अजान तशरीफ लाए और बारगाह मुस्तफी में अपनी हाजिरी पेश करें मोहम्मद अजान। Sallallahu alayhi wa sallam.
العالمین الحمدللہ ہم اپنے پیارے آقا نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں اور ذکر سنتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قاسم جنت ہیں اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھار جنت میں جایا کرو اور وہاں سے میوے بھی اٹھا کے کھایا کرو. تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا یا رسول اللہ روزانہ جنت میں کیسے جائے؟ فرمایا اللہ کے گھر میں داخل ہو جایا کرو, یہ جنت ہی ہے. یقیناً آپ جنتی لوگ جنت میں بیٹھے ہیں. اور پھر ایک اور بات ارشاد فرمائی, فرمایا جنت سے کچھ میوے لے لیا کرو. یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا جب داخل ہو جاؤ تو کبھی وضو کرنے کے نوافل پر کیا کرو تحیات الوضو, اور کبھی مسجد میں داخلے کے دو نفر تحیات المسجد پڑھ لیا کرو, یہ تمہارے لیے جنت کے میوے. توفیق عطا فرمائے. تشریف لاتے ہیں بارگاہ مصطفی میں حاضری پیش کرنے کے لیے. ایسے ہم سب کی حاضری ہو چکی ہے لیکن چونکہ نعت کی دنیا کا بھی ایک مقام ہے تو تشریف لاتے ہیں محمد فہیم صاحب, تشریف لائیں اور بارگاہ مصطفی میں اپنی حاضری پیش کریں. تو سب شروع کرنے سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول یہاں پر کافی تعداد میں عاشق رسول بیٹھے ہیں, دیوانے بیٹھے ہیں جو رب کے محبوب سے عشق کرتے ہیں اور اس کو اپنا محبوب کہتے ہیں. تو سبھی دیوانے بیٹھے ہیں تو میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, دیوانہ ہوں, تو میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں. تو ان کی محبت میں میں نے چند جملے لکھے ہیں کہ میں آپ کی سماعت کرتا ہوں. جے جسم میرا بادن ہو دے, جے جسم میرا بادن ہو دے, میں اگر سب کچھ تیرے تمہارا
माशाल्लाह बड़े ही खूबसूरत अंदाज के अंदर बारगाह रिसालत में अपनी हाजिरी पेश कर रहे थे। हाफिज़ साहिब अल्लाह तबारक व तआला इनकी आवाज में मजीद बरकत आता फरमाए, दो मन की नाद खानी की मचाते जाएंगे, दो मन की नाद खानी की मचाते जाएंगे, नारा या रसूल अल्लाह लगाते जाएंगे और नाद खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, खबर में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, दो मन की नाद खानी की मचाते जाएंगे, नारा या रसूल अल्लाह लगाते जाएंगे और नाद खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, खबर में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। ये जो आपने इतनी खूबसूरत नौजवानों में मस्जिद सजाई है, मिलाद मुस्तफा का एहतमाम किया है, जिन्होंने जिस तरह का वो तआवुन किया है, शायद ने क्या खूब कहा, कुरान के बारों में तेरे नाम का चर्चा, कुरान के बारों में तेरे नाम का चर्चा है, चांद सितारों में तेरे नाम का चर्चा और गुलशन के हरिक रंग में रंगीन बहारों में तेरे नाम का चर्चा, यानी कि सुभान अल्लाह, गुलशन के हरित रंग में गुल में तेरी खुशबू और रंगीन बहारों में तेरे नाम का चर्चा, और क्या क्या है खबर, फिर वो कभी उंगली उठाए, उंगली के इशारों में तेरा नाम का चर्चा, और शायरों में नकीबों में खतीबों में सब नक्श निगारों में अपनी हाजिरी पेश करते हैं। तमाम आलम मोहम्मद के सदर दरबार पर सल्लल्लाहु अलैहि जल्दी मदीने रो
पहले थे मगर चलता दिखाने बाद में आए।
طرف توجہ کریں، حضرت علماء صاحب آ رہے ہیں ان کے استقبال کے لیے لوگ جا رہے ہیں، آپ میری طرف توجہ کریں، آپ اندر مسجد کے اندر جاتے ہیں، یہ نظارے یہ سب رسول سہانے ہیں، بعد میں آئے اور وہ پہلے تھے مگر چلوا دکھانے، بعد میں آئے اور خدا کے بعد کی ہستی فقط سہارا کے بابا کی، نبیوں اور رسولوں کے زمانے ہیں، بعد میں آئے اور نانا کی زبان کو چوس کر سہراب کے قبر کے یزیدی نہر پر پہرا لگانے، بعد میں آئے اور صحابہ سارے کے سارے میرے آقا کے عاشق تھے، یہ سب مدنی یہ سب بن کر ٹھکانے ہیں، ان محبتوں میں تشریف لاتے ہیں بڑی خوبصورت آواز کے مالک، میری مراد جناب حبیب رضا صاحب، اللہ نے بڑی خوبصورت آواز سے نوازا ہے، یہ استادوں کی کمال ہوتی ہے، علامہ فرائم صاحب نے بڑی محنت کی ہے، اللہ اللہ محنت ہو گیا مجھے صبح تک شاد و بار فرمائے، بچہ جب تک یہ ناطے پڑھتا رہے گا حضور کا ذکر کرتا رہے گا، جو اسے زیارت کرنے والے ہیں جنہوں نے محنت کی ہے انہیں ہر وقت ثواب پہنچتا رہے گا، میں ملتوس ہوں جناب حبیب نظر صاحب، تو آئے اور بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کریں، اور زمانے اب آپ کھڑے ہو کر مفتی کشمیر حضرت علامہ مولانا مفتی وسیم نظر صاحب اور خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا سید حسن قاضی صاحب، یا رسول اللہ یا ہماری محفل کے دونوں بہنے خطیب کشمیر مفتی کشمیر خطیب اہل سنت عالم نبی فضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی وسیم رضا صاحب اور ساتھ ہی ہمارے مہمان سناکار خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا شعیب الحسن قادری صاحب سانی فاروق الحسن، بڑی خوبصورت اللہ نے آواز سے نوازا ہے، ہم دل کے ایکاگرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اپنی طرف سے امام مسجد کی طرف سے سالیان ایکاگرہ پوٹا کی طرف سے اور پھر خصوص مسجد کے بیٹی کی طرف سے میں آپ کا شکر گزار ہوں جو احباب تشریف لائے، حضرت صاحب کے علاوہ جتنے بھی احباب علماء کرام تشریف لائے سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، میں ملتوس ہوں جناب حبیب کے مرزا صاحب ناروں کی بند میں تشریف لاتے ہیں، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری خاموش رہے پڑھیے صلی اللہ، پل سے پل سے آج پہ وہ آئے
माशाल्लाह बड़े ही खूबसूरत अंदाज से बरकाह रिसालत में आप यहाँ पेश कर रहे थे हबीब रजा साहेब की अल्लाह तबारक व तआला इनकी आवाज में नसीब करते अता फरमाए हमारी महफिल में श्री शर्मा हैं अजीम तकी असद सर सरकारी साहेब खुश अमदीद कहते हैं मौलाना कारी नासिर साहेब आपको भी खुश अमदीद कहते हैं
حضرت علامہ مشکل فرما ہے میں بالکل مختصر وقت کے لیے ملتمس ہوں ماسٹر صلاح الدین ایوبی صاحب سے دعائے اور عرفانہ کلام کے چند اشعار پیش کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثی ذکر ان کا قبول ہوتا ہے جن کو عشق رسول ہوتا ہے
کہہ دیجیے سبحان اللہ. آخری رپائی ہے, آپ نے ہاتھوں کو بلند کر کے میرا ساتھ دینا ہے. ذکر ان کا قبول ہوتا ہے جن کو عشق رسول ہوتا ہے, اور لب پہ جاری نبی کی نعت ہے. عاشقوں کا اصول ہوتا ہے اور دل تڑپتا ہے, آنکھ روتی ہے جب بھی ذکر رسول ہوتا ہے. اور بڑا قابل رسول ہوتا ہے اور لب میں جاری نبی کی یاد ہے. عاشقوں کا اصول ہوتا ہے, دل تڑپتا ہے, آنکھ روتی ہے جب بھی ذکر رسول ہوتا ہے. اور مجھ کو جو بھی نصیب ہوتا ہے صدقہ ابن بطول ہوتا ہے. اور بھول جاتا ہوں زیارت جنت کو جب بھی مدینے دخول ہوتا ہے. شاید کیا کہا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بناتے ہیں. وہ لوگ خدا صورت کے سکندر ہیں جو سربر عالم کا عبادت کرتے ہیں. یہاں پہ شاید کیا خوب کہا کہ کرم ہوا ہے خدا کا جن پر وہ ان کی محفل سجا رہے ہیں. کیا دیجیے سبحان اللہ, کرم ہوا ہے خدا کا جن پر ان کی محفل سجا رہے ہیں. بلایا جن کو میرے نبی نے وہی تو محفل میں آ رہے ہیں. اور یہاں تو رحمت کی بارشیں ہیں, ہماری ان سے گزارشیں ہیں. بلائے آقا مدینے ان کو جہاں جو آنسو بہا رہے ہیں. یہاں تو رحمت کی بارشیں ہیں, ہماری ان سے گزارشیں ہیں. بلائے آقا مدینے ان کو جہاں جو آنسو بہا رہے ہیں. اور یہ کیا فرشتی کہ حق پہ تاری یہ بدل ہوا ہے, حق پہ تاری یہ ساری بستی بتا رہی ہے کہ حضور کی شریف گرا رہے ہیں. اور نبی کا صدقہ یہ زندگی ہے, نبی کا صدقہ یہ بندگی ہے, یہ آل احمد کی برکتیں ہیں. انہی کا صدقہ وہ کھا رہے ہیں, اور یہ رات ان کی یہ بات ان کی قسم سے کائنات ان کی زیاد آقا کی رحمتیں ہیں جو ناتے اپنی لکھا رہے ہیں. ان بھکتوں نے تشریف لاتے ہیں خطیب آل سنت خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا شوق الحسن قادری صاحب نارو کی بھوج میں تشریف لاتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ روشنی. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وعلى آله واصحابه اولی الصدق والصفا. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد النبي اولى بالمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام يا باب الصلاه.
अल्लाह करीम मेरी तुहाड़ी तमाम की हाजिरी अपनी वार
میرے تو بعد تساں خوبصورت علمی گفتگو قبلہ مفتی صاحب تو سماعت فرماؤ. میں حضرت دے ہودیا مینوں بیک دتا گیا نہ ہی تے میں کوئی اپنے علم تے مان ہے نہ ہی جویں حضرت فرما رہے سن کہ بہت خوبصورت آواز ہے نہ ہی اپنی آواز تے یہ شکلاں یہ علم یہ آوازاں یہ سب کچھ ساری ذات کی وجہ تو نہیں بس رسول اللہ کی بات کی وجہ. جتنے بھی تسا اتنے انواب آئے ہو بالکل پریشان نہ ہویا جی کہ ساڈا فلاں دا نام ہی لیا گیا فلاں دا نہیں لیا گیا. جس لجپال کے ذکر کی محفل چ سمایا سارے نام ہی جان دین ساری محبت کی اوقات ہی جمع تے بالکل جناب تمکین نہیں ہونا کہ مولوی صاحب نے کرسی دیتی ہے تے حضرت جناب ہونا 2023 تو بعد ہی اترن گے. میں جناب تمہیں پتہ نہیں لگنا کہ خطاب کیویں شروع ہوا کیویں ہو گیا حضور کی محبت دیاں دو چار گلا کران گے. اگر تساں خوش ہو کہ حضور دی عزت کی گل ہو گئے حضور کی محبت کی گل کیتی جائے تو اچھا سبحان اللہ کا سبحان اللہ اللہ تعالی راہ دے ادھر آواز تھوڑی جی میرے کان میں مفتی صاحب تشریف فرما نے پوچھ سبحان اللہ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے. اللہ کون ہے سبحان سارے بولو اللہ پاک ہے. اور میں سبحان اللہ کہاں نہ کہاں تسی کہو یا نہ کہو رب دی شان وچ کمی آنی نہیں. لیکن جے تو بندہ کہندا نا سبحان اللہ یا اللہ تو پاک ہے رب کہندا فرشتے دعا ہو جاؤ اینے مینو پاک کی کیا ہے میں اینو پاک کر چکا تو ساں اچھا سبحان اللہ کو قرآن پڑھی حضر بار آگے لگی آواز آگے ماشاءاللہ سارے دیوانے میں اچھا اچھا سبحان اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا النبی جو اولا بالمؤمنین رب نے اپنے کلام اندر ارشاد فرمایا تو قریب ہے آؤ ذرا توجہ کریا جے کیڑا نبی مومنا دیا جانا تو قریب ہے او نبی مومنا دیا جانا تو قریب ہے جس نبی دی انگلی دا اشارہ ہوئے کہ کبھی سورج واپس آ جانا ہے او نبی تیری کہ میری جان تو زیادہ قریب ہے کیڑا نبی تیری کہ میری جان تو زیادہ قریب ہے او نبی تیری کہ میری جان تو زیادہ قریب ہے جنہ دی انگلی دا اشارہ ہوئے چند سے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں فرمایا پاپ
वाला सब तो बड़ा दरवाजा है। मेरे आका आए थे आके बाप को इज्जत मिली है, बाप की शान मिली है, मेरे आका की वजह तो मिली है, मेरे नबी की वजह तो मिली है। और सुनो सुनो मेरे नबी आए, मेरे आका की वजह तो मानो इज्जत मिली है, मेरे आका की आमद तो पहले इसलिए किसे औरत का जवान शौहर फौत हो जाना, अगर जवान पुत्र मौजूद होता सी अपनी मां के नाल तन बसाना शुरू कर देता सी। Oh,
आओ मेरे करीम माता दे गुलामो मेरे आका आए ने जिस वेले मेरे आका नु सुनाए सोने सभी ने थी दी इज्जत दा नूर बनाए मेरे आका ने फरमाया जिस बाप नु अल्लाह दा दो बेटियां दे देवे या जिस भाई नु अल्लाह दो बहना अता कर देवे ओना नु अल्लाह दी रजा दी खातिर जिस वेले पाले जवान हो जावे ओना दा अल्लाह दी रजा दी खातिर निकाह कर दे सुना मेरे आका दे सिहाबी दी गल सुन दे जाओ हजरत साहब
प्यार करता है, मेरे आका तो अपनी जान देता है, मेरे आका नाल बड़ी मोहब्बत करता है, मेरे करीम माका नाल बड़िया वफावां करता है, अंदर को
सल्तनत आला है चाहे तू अभी घराने दिए गरीब घराने दा है सिरके दे कबूल करनी पड़ी है और एक बड़ा सोना जवाब दिता आखी एक पायत जने ऐसा आवेगा जिस वेले मेरिया सहेलियां बैठिया उड़ गया कोई आके कि मेरा रिश्ता मेरे वालिद ने कीता है कोई आके कि रिश्ता मेरा मेरे मामे ने कीता है कोई आके कि मेरे चाचे ने कीता है कोई आके कि मेरी अम्मा ने कीता है उस वेले मैं सबसे बिचों अपना सर फखर का गुजर करके आखी उस वाला रिश्ता मामे ने चाचे ने कीता है लेकिन मेरा रिश्ता नबियां दे सरदार ने कीता है मेरा रिश्ता नबियां दे सरदार ने कीता है इतनी देर अंदर जैसे आप वापस आए ने ते जैसे अपनी शादी की तैयारियां करने वास्ते निकले ने बाजार गए जाके सामान खरीदन लगे किसे को पता चलया है मेरे आका ने जैसे ने जम कर दिता है जब ने ऐलान की गल सुनी है उसने अपनी शादी के कपड़े नहीं खरीदे उसे जगह तो तलवार लई है उसे जगह तो जीरा लई है नवा लिबास ले आओ घोड़ा ले आए घोड़ा लेके मेरे करीब मंगा दा नवा घोड़े ते सवार होया है जंग दे मैदान की तरफ निकल गया है इस वेले जंग के अंदर गया है अपने चेहरे ते जनाबे वाला कपड़ा दिखा रहा है चेहरा किसे को नजर नहीं आ रहा लेकिन इस वेले मेरे करीब का दर्शन निकलया है जब दर्द वास्ते तलवार चला रहा है सारे बंदे काफरा दल के सले मेरे आका दी इज्जत का दर लड़ता पिया है चढ़िया डर गया इन्हें करके अपने बाजू के चढ़ाए ने इस वेले बाजू चढ़ाए ने बाजू चढ़ा के काफरा के दरबार अंदर चले गए मेरे आका दी इज्जत के पैरा दे रहे ने किसी ने आए फातिमा की सियाही की वजह तो देखे आए इतने सारे रस्म चंगा पिया है आवाज दे के आंदे ने ओ सारे रस्म वापस आ जा तेरे प्यारे आका बुला रहे ने लेकिन तलवारों की छटकार के अंदर आवाज नहीं सुनी गई आपके जिस वेले आप शहीद हो गए ने मेरे करीब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका ने उन्हां दी तलवार उन्हां दा सिरा उन्हां दा घोड़ा मेरे आका ने निकाल इन्हां दा कीता सी ओदे वालिद नूं दे दित्ता है आंदे ने मैं जो निकाल दा कीता निकाह हो गया हुण इहदी चढ़ाव तेरी बेटी नूं मिली है लेकिन सुनो सुनो हजरत साद अस्वद ने मेरे आका दी इज्जत ते पैरा दित्ता है आखिर अंदर मेरे आका ने फिर कितनी मुहब्बत कीती है मेरे नबी ने कितनी वफा कीती है मेरे आका ने ओदे वालिद नूं बुलाया है बुला के लेकिन साफ दावा बुला रहा है कि तुझी दे बारे इंजीनियर गलत करना है अल्लाह ने मेरे उस साफ नर सोनिया सोनिया भूरा का भी कार कर छोड़ ओदे नाल सोनिया सोनिया होरा दा दिकार दा दिता है पता चलया ओ कश्मीर दे रहण वाले हो याद रखना इस गल नो कि कुछ भी हो जाए मेरे आका दी इज्जत नाल वफा करो मेरे आका दी इज्जत ते पहरा देवो मेरे करीम आका नाल प्यार करो ये वक्त गुजर जाने ने लेकिन बदले दीयां गुजरियां गल्लां याद रह जांदियां ने कोई जिस वेले बंदा टुटदा है कोई कहदा है ਸਾਫਰ ਬਟੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਨਮਾਜ਼ ਖੁਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦ ਚ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਗਾ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕਾਫਤ ਖਾਂਦੀਆਂ ਕੁਲੀਆਂ Yeah.
Oh,
ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਹੈ ਅਸਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰਹਾਂਗੇ ਅਸਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਗਾਜ਼ੀ ਮੁਸਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀ ਤੇਰੇ ਜਾਨ ਸਾਰ ਗਾਜ਼ੀ ਤੇਰੇ ਜਾਨ ਸਾਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੁੜਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੈਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ
मोमिना दिया जाना तो ही ज्यादा करीब नहीं। तो यारा एक गल जहन च बिठा लो, जेड़ा नबी साड़ी जान तो ज्यादा करीब है उस नबी की इज्जत उत्ते हर्फ आ जाए तो फिर सानू जीवन का हक नहीं है। जनाब तुसा अंदर आले बाहर आले हाथ चुक के वादा कर दियो कि जब तक जीवांगे हुजूर दी इज्जत दे पहरेदार रहांगे, इंशाअल्लाह हुजूर नाल वफा करांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह करीम मेरी तुहाडी तमाम दी हाजरी कबूल फरमाए, अंजुम ए मिलाद कमेटी जितनी भी है इंतजामिया अल्लाह करीम इन्हां दे जितने भी दिली नेक इरादे ने अल्लाह तमाम कबूल फरमाए, उलमा तशरीफ फरमा ने जिन्हां ने अपना दिल बड़ा करके मैं जैसे एक हकीर और नाचीज बंदे ने सोया अल्लाह करीम इन्हों का साया साढ़े सिर के दादे कायम फरमाए, अल्लाह करीम साढ़े तमाम की हाजिरी कबूल फरमाए। आमीन फरमाए। माशाल्लाह बड़े ही खूबसूरत अंदाज के अंदर खिताब से हमारे दिल को मुतवर फरमा रहे थे हजरत अल्लामा मौलाना शेख उल हसन कादरी साहिब तबारक व तआला इनके इलम में अमल में उनसे बरकत आता फरमाए। बस जमाने के सिकंदर हैं सखी दरबार की मांगते, जमाने के सिकंदर हैं सखी दरबार की मांगते, नराजी शान रखते हैं नबी मुख्तार की मांगते और बदाए मुस्तफा की अजमत है। अल्लाह से पूछो शेर शाहों से अच्छे हैं मेरे सरकार की मांगते। मुफ्ती कश्मीर खतीब आले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती वसीम रज़ा साहब से वो अपने इल्मी रूहानी गुजरानी किताब से हमारे दिलों को मोहब्बत फरमाए। नारों से इस्तेमाल कीजिएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बुजुर्गों दोस्तों नौजवान साथियों अजीज बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु। आप इस खूबसूरत मस्जिद में महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इन आकार किया गया महफिल पाक के इन आकार में जिन जिन अहबाब ने दामे दिल में सुख ने कदम हिस्सा डाला अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको दारैन की इज्जत अता फरमाए। आपने हज़रत मौलाना का खिताब समाप्त फरमाया, बड़ी देर से आप मस्जिद शरीफ में तशरीफ फरमा है, नकीब महफिल और नाथ आपको महसूस कर रहे थे। मैं बावजूद
जल्दी इजाजत ले रहा था, लेकिन वो लवाए कराम के इसरार और मोहब्बत की वजह से मैं आपके दरमियान मौजूद रहा। अल्लाह ताला जुमला हजरात की मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। उम्मीद है कि आप उन्हें दिलो दिमाग में जगह देंगे। सूरह मरियम 16 पारा पहली आया करीमा मैंने आपके सामने तिलावत किया है। हज़रात गिरामी, ये जो उरूफ मैंने तिलावत किए हैं ये उरूफ मुकत्तआत हैं। काफ हा या ऐन स्वाद उरूफ मुकत्तआत अल्लाह और उसके नबी के दरमियान एक राज रखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसने वो कलाम नाजिल फरमाया है या वो वाकिफ है या जिस सीने पर वो कलाम उतरा है वो मुस्तफा उसके माने से वाकिफ है। मैं सिर्फ दो तीन वाकया करूंगा अगर आपका जोर हुआ। इसका तर्जमा अब्दुल वहाब शाहरी ने बड़ा खूबसूरत इस पर तबसरा फरमाया है। फरमाते हैं जब जाते बारी का आला ने मेरे प्यारे पैगंबर को तखलीक फरमाया, हुजूर रहमत दो आलम को बनाया और आप उसकी हुस्न तखलीक का शाहकार अव्वल है। और यह भी याद रखिएगा कि सबसे पहले मखलूकात में सबसे पहले अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को खल्क फरमाया और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब सलाफा बना तो रब ने फरमाया। आले इल्म दानिश तशरीफ फरमा है, इमाम शारानी ने लिखा, फरमाते हैं कि मेरे रब ने फरमाया कुन हा या अब्दल्ला सूरत यतजब्बलुल्लाह बिजमालिही, फरमाया कि ऐ मेरे हबीब इस तरह बन जा कि तेरे चेहरे पे कोई देखे तो उसे मेरा जमाल नजर आ जाए। चेहरा तेरा देखे जमाल मेरा नजर आए, आदाब तेरी देखे कुदरत मेरी नजर आए, मौजज़ा तेरा देखे कुदरत मेरी नजर आए। महबूब तुझे हमने ऐसा बनाया है कि तू ये ऐलान कर सके मर आरी फकद अल हक, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा। महबूब जो तुझे देखे वो ये कहने पर मजबूर हो जाए जब मुस्तफा इतने हसीन हैं तो रब को मैं मान रहा हूं जिसने मोहम्मद को इतना हसीन बनाया। तो रहमत दो आलम के बारे में हमारा अकीदा ये है कि हम जब मुस्तफा को देखते हैं रब की तस्बीह करते हैं उसकी तारीफ करते हैं। कुन हा या अब्दल्ला ये अल्फाज भी बता रहे हैं, फरमाया मेरे महबूब ऐ अल्लाह के बंदे इसलिए कि अब्दुल्ला और है, अब्दुल्ला और है। हजरत ईसा को रब ने शादी अदा की, लोगों ने इब्नुल्ला कहना शुरू कर दिया, रब ने फरमाया इब्नुल्ला कहोगे तो मुशरिक हो जाओगे, मैं अब्दुल्ला कह रहा हूं ये मेरा बंदा है। और हम
हमने इन्हें हबीबुल्लाह का मनसब अता किया है। लोगों इब्नुल्लाह और होता है, हबीबुल्लाह और होता है। इब्नुल्लाह कहो तो बंदा काफिर हो जाता है, हबीबुल्लाह कहो तो ईमान कामल हो जाता है। हबीबुल्लाह कहो तो ईमान कामल हो जाता है। हुजूर ने भी फरमाया ला तदरूनी कमत रखिन नसारा ईसा बिन मरियम, फरमाया कि मुझे वैसा न बनाना जैसा ईसाइयों ने हजरत ईसा इब्न मरियम को क्रिश्चियन कितने बढ़ा गए। उन्होंने कहा सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बंदा, ये कुफर हो गया। अल्लाह ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, फरमाया ये झूठ बक रहे हैं, अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, ना वो किसी का बेटा है ना उसका कोई बेटा है, वो तो बिल्कुल लाशरीक है। उसने हबीब बनाया है, उसने इब्न नहीं बनाया, उसने हबीब बनाया है। इब्नुल्लाह कहो तो बंदा काफिर होता है, हबीबुल्लाह कहो तो ईमान कामल हो जाता है। ईमान कामल हो जाता है। इसलिए हम रसूलुल्लाह की अजमत के डंके बजा रहे हैं, सरकार की जिक्र की मुहाफल सजा रहे हैं, सरकार का जिक्र कर रहे हैं, और हमारा ये दावा है और उस दावे पर हमारी दलीलें हैं। लोगों कायनात में मुस्तफा जैसा ना कोई हसीन आया है, ना कोई हुजूर जैसा कोई अफजल आया है, ना मुस्तफा जैसा कोई अकमल आया है, ना मुस्तफा जैसा कोई आजम आया है। रब्बे जलाल ने हर हर चीज में मुस्तफा को बेमिसल भी बनाया है, बेमिसाल भी बनाया है, बेमिसल भी बनाया है, बेमिसाल भी बनाया है। मुस्तफा जैसा न था न है ना कोई होगा, और यही दावा है। इस दावे की दलीलें हैं, हजार हाथ राय है, उन पर हम कुछ बात नहीं कर सकते। इतना काकड़ा था कि इस अकबरी मस्जिद जगह करवाने ये ऐलान कर रहे हैं, और ये इकरार भी कर रहे हैं, और ये इजहार कर रहे हैं, मौला तू खालिक वहदहु ला शरीक है, मखलूक में मुस्तफा को तुमने बेमिसल बेमिसाल बताया। तशरीफ फरमा है, एक जुमला में अगर कह दूं उस शख्सियत का जिन्हें हम हजरत मुजद्दद अल-फैसानी कहते हैं, हजरत शेख अहमद फारूकी सरहंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने फरमाया रब ने कायनात सारी को जो बनाया है उसे आलम के मकान से बनाया है। जो उलमा खासतौर पर तवज्जो फरमाएंगे, आलम के मकान से रब ने सारी कायनात को बनाया, फरिश्ते भी आलम के मकान से है, ये अर्श के उठाने वाले मलाइका भी आलम के मकान से है, ये जमीन की एक एक चीज रब ने आलम के मकान से बनाई है। लेकिन मुस्तफा की जब बारी आई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आलम वजूद के दो हिस्से, एक आलम सातिया है, एक आलम सिफातिया है। आलम सातिया में रब वहदहु ला शरीक है, आलम सिफातिया में मुस्तफा को रब वहदहु ला शरीक है। अल्लाहु अकबर يا رسول الله بات سمجھ میں آ گئی عالم کی مقابر سے ہر چیز کو بنایا مصطفیٰ کو پیدا کیا فرمایا مصطفیٰ کا مقام یہ ہے بلکہ فوق کی باشد فرماتے ہیں اللہ نے اس سے اوپر کا مقام عطا کیا ہے وہ آپ اور میرے سمجھنے میں بھی فرق ہے ہم نے یہ دیکھا मुस्तफा मक्के में चल रहे हैं, हुजूर मदीने में हिजरत करके जा रहे हैं, हुजूर मुसल्ले पे बैठे हैं, हुजूर हलीमा की बकरियां चला रहे हैं। अरे उधर मुस्तफा की अजमत को देखो, अल्लाह ने हबीब को ऐसा बनाया, हुजूर का सरापा भी ऐसा बनाया कि हुजूर का साया भी जमीन पर नहीं पड़ने दिया, हुजूर का वजूद भी अल्लाह ने नूर से बनाया है, हुजूर की हकीकत को भी नूर से बनाया, हुजूर की हकीकत को भी आपने नूर से बनाया, हुजूर के वजूद को भी रब ने नूर से बनाया। हमें चाहिए हम हुजूर के तरीके पर अमल करें, सरकार ने जो फरमाया उस पर अमल पैरा हो जाए। आइए वादा कीजिएगा हम हुजूर से मोहब्बत करेंगे
तो इस अंदाज से कहेंगे सरदार ने जिस जिस चीज से मोहब्बत की है हम उन चीजों से मोहब्बत करेंगे, हुजूर ने नमाज से प्यार किया हम नमाज की पाबंदी करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। ये नसीब भाई वहां फरमा रहे थे दुआ भी आपने कर दिया, मदद किया, बार बार इशारा किया, मैं हुक्म जो है वो ये गुजारिश करता हूँ बस ये उलमाए कराम दुआ आप सब अहबाब किया करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको जिंदा रखे इस्लाम पे, अल्लाह ताला मौत दे जो ईमान पे नमाजों की पाबंदी करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। ये नहीं सुबह नमाज वो मुअज्जिन कहता है अस्सलातु खैरुन मिनन नौम, ये नमाज नींद से बेहतर है, रजाई लेकर सोए हुए हो फिर कहे हम आशिकान मुस्तफा हैं तो ये झूठ है। सच ये है वजू करके हम मस्जिद में पहुंचे नमाजें अदा करें, इसलिए कि जब हम सजदा रेज होते हैं मुस्तफा मोहम्मद खदा में राजी हो जाते हैं, हुजूर खुश हो जाते हैं, इसलिए कोशिश करो नमाजें अदा करेंगे, पांच गाना नमाजें अदा करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। रिज़्क़ हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह, रिज़्क़ हराम से बचेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। बड़ों का अदब करेंगे, छोटों से प्यार करेंगे, पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल रखेंगे, बड़ों का अदब, छोटों से शफ़क़त और जो तो अल्लाह ने हमारे जिम्मे हकूक लगाए हैं हम उन्हें पूरा करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब अदालत की मोहब्बत को कबूल फरमाए। उलमाए किराम मैं आज नाम भी नहीं ले सका, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब उलमा को खैरियत से रखे, बरकत से नवाजे, अल्लाह ताला जवानों की जवानियों में बरकत अता फरमाए और जब भी महाफिल में जाए अकीदा अच्छा लेकर जाए, अमल की नीयत लेकर जाए और अच्छे इखलास के साथ जाए, कुछ सीख का आया करें, कुछ सीख का आया करें, एक भी बात अगर याद रह जाए उस पर अमल हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है। अल्लाह ताला आपकी मेरी आदर को कबूल फरमाए। आखिर दावा जाकर माशाल्लाह बड़े हिल के खिताब से हमारे दिल को मनवर फरमा रहे थे हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नसीर रजा साहेब, तमाम ही अहबाब खड़े हो गए दरूद व सलाम करें। कट करियो